महिला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में हुए मैच में सराय बल्लेबाज बेथ मूनी के लगातार दूसरे टी ट्वेंटी विश्व कप के फाइनल में लगाए गए अशतक से ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर छठी बार विजेता होने का गौरव हासिल कर लिया है। 2020 के टी ट्वेंटी विश्व कप के फाइनल में मूनी ने 54 गेंदों में 78 रन नवाद बनाए थे और रविवार को उन्होंने 53 गेंदों में नवाद 74 रन की पारी खेली। 9 चौके और 1 छक्के लगाने वाली ये मूनी रही जिनकी ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट पर 56 रन के योग तक पहुंचाया। जवाब में लोडला बाइवर्स ने 61 रन की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका को लक्ष्य तक नहीं ले जा पाई। मेहमान 6 विकेट पर 71 रन ही बना पाए। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 15 ओवर में 3 विकेट पर 98 रन था। उस जीत के लिए 5 ओवर में 69 रन बनाने थे। सारा दारमोदार बाइवर्स और टाइवान पर था। दोनों ने 35 गेंदों पर 55 रन जोड़े। 109 रन के स्कोर पर मेगट सट ने बाइवर्स को पगबाधा आउट कर दिया। इसके बाद टाइवान ने 25 रन को जोनसन ने आउट कर पहला फाइनल खेल रही दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों को तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका टीम की कप्तान सोनल लुस ने कहा, हमने कल्पना नहीं की थी कि हम फाइनल खेलेंगे। मुझे अपनी टीम पर गर्व है, अब हम आगे ही बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मैन लेनी ने कहा, ये बेहद खास जीत रही है। मुझे अपनी टीम पर बड़ा नाज है जिसने खास प्रयास किए। सपोर्ट स्टाफ भी इसमें शामिल है। हमें लग रहा था कि ये अच्छा स्कोर है लेकिन हमें अच्छी गेंदबाजी भी करनी थी। हमने दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाया। हमने तब संयम बनाए रखा जब दबाव था। खिलाड़ियों के परिजनों का शुक्रिया, खासतौर मेरे माता पिता का जो खासतौर पर यहाँ मौजूद थे।